नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की सबसे अधिक पैदावार देने वाली और सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली दो उन्नतशील वैरायटी के बारे में। किसान भाइयों, ये जो वैरायटी मैं आपको बता रहा हूँ, इन वैरायटी को लगभग भारत के अंदर 80% इनकी बुवाई की जाती है। अर्थात ये जो वैरायटियाँ किसान भाइयों, ये किसानों की पहली पसंद है और ये पैदावार के मामले में सबसे अग्रणी रहती हैं। अभी तक भी इनको टक्कर देने वाली कोई भी ऐसी वैरायटी मार्केट के अंदर नहीं आई है या लॉन्च नहीं हुई है जो इन दोनों वैरायटी को टक्कर दे सके किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इन दोनों वैरायटी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। किसान भाई, यदि हम किसी भी फसल को लगाते हैं और उसके लिए वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं और हमें अच्छी वैरायटी मिल जाती है तो हमारी फसल एक तो अच्छी होकर चलती है, उसके अंदर बीमारियां कम आती हैं और हमें उसकी पैदावार भी बहुत अच्छी मिल जाती है। किसान भाइयों, कम समय और कम लागत में यह वैरायटी तैयार हो जाती है, तो हमें ऐसी ही वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए और बुवाई से लगभग 20 से 25 दिन पहले करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आपको दो ऐसी वैरायटियां बताने जा रहा हूँ जिन्हें लगाकर आप अपनी फसल से शानदार और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, किसान भाई, सरसों की दो वैरायटियाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसान भाइयों, ये भारत के अंदर लगभग 80% लगाई जाती हैं और ये वैरायटियाँ लगभग कम लागत और कम समय में हमें बढ़िया और शानदार उत्पादन देकर जाती है। किसान भाइयों, यदि किसान भाई हम पहली वैरायटी की बात करें तो ये वैरायटी किसान भाई हमने रखी है जो पायनियर कंपनी की है 45S46। यदि किसान भाई हम इसकी बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 सितंबर से और 10 नवंबर तक आसानी से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम इसकी बुआई करने के बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि किसान भाई हम इसके फसल पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 120 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इस वैरायटी की पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 13 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, किसान भाई, इस वैरायटी के अंदर कोई विशेष रोग नहीं आता, जैसे तने के अंदर गलन आती है, फफूंदी आती है, इसके अंदर कोई खास बीमारी नहीं आती है। किसान भाइयों, क्योंकि ये वैरायटी रोगों के प्रति काफी सहनशील होती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई हम दूसरी वैरायटी की बात करें तो दूसरी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, तो ये टाटा धान्य कंपनी की है MJ1। ये भी काफी अच्छी वैरायटी है और बहुत ही लोग इसे पसंद करते हैं, अच्छी पैदावार देती है और कम समय में ये वैरायटी पक जाती है। किसान भाइयों, यदि हम इसकी बिजाई लेट भी करते हैं किसान भाइयों, तो ये समय से पक जाती है। यदि किसान भाई हम इसकी बुवाई करने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को 20 सितंबर से 20 नवंबर तक आसानी से इसकी बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान भाई हम इसकी बुवाई करने के लिए बीज दर की बात करें तो आपको लगभग 1 किलो 500 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 110 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 14 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है। किसान भाइयों, इसके पौधों की हाइट ज्यादा नहीं होती है जिसके कारण किसान भाई ये फसल गिरती नहीं है और जड़ें इसकी काफी मजबूत होती हैं, तना मोटा होता है और मजबूत होता है। किसान भाइयों, यदि तेज हवाएं चलती हैं या ज्यादा बरसात हो जाती है तो ये फसल आसानी से नहीं गिरती है। किसान भाइयों, और इसके अंदर कोई खास बीमारी भी नहीं आती है। किसान भाइयों, क्योंकि नई वैरायटी है, जल्दी में लॉन्च हुई है किसान भाइयों और बहुत ही शानदार और बहुत ही बम्पर पैदावार देती है। किसान भाइयों, किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सरसों की अन्य वैरायटी के बारे में जानकारी देंगे। यदि आप सरसों लगाना चाहते हैं तो हमारी प्रत्येक वीडियो को देखिए और उसके हिसाब से आप अपने वैरायटी का सिलेक्शन करिए। किसान भाइयों, यदि आप वैरायटी का सिलेक्शन सही से कर लेते हैं तो आप अपनी फसल से शानदार और बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।